अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद जावेद, सच की आवाज़ NPS न्यूज़। देखिए आज की ताज़ा खबर। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख सकते हैं ये रोड ओटापल्ली शमा कॉलोनी की है। यहाँ पे मेनोलों की हालत किस तरह से है। यहाँ के चंद कदम पे आप देख सकते हैं एक मास्टरमाइंड हाई स्कूल भी है। यहाँ पे काफ़ी स्कूल के बच्चों का भी गुजारा होता है यहाँ से, ये रास्ते से। तो भी जो समय यहाँ पे बहुत ज़्यादा लापरवाही चल रही है, तो मैं अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि यहाँ के लीडर और कॉरपोरेटर और MLA साहब इसके ऊपर तवज्जो दे, ताकि इसका काम जल्द से जल्द मुकम्मल हो सके। आप देख सकते हैं ये एक रास्ता यहाँ पे जा रहा है और यहाँ पे करीब में किराने की दुकान भी है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कितनी दुश्वारी हो रही है। ये मस्जिद का रास्ता है ओटापल्ली शमा कॉलोनी। मैं अदबन गुजारिश कर रहा हूँ एरिया कॉरपोरेटर और MLA साहब से कि कोई हादसा होने से पहले यहाँ पे ये काम मुकम्मल हो जाए, क्योंकि यहाँ की हालत रोड की बहुत ज़्यादा ख़राब है। जैसा कि आप सब जानते हैं अभी बारिश का मौसम और बारिश का सीज़न चालू है। यहाँ पे देख सकते हैं आप बाजू में ट्रांसफार्मर भी है। इस तरह से यहाँ पे मैनहोल के जो ढक्कन है वो खुले हुए हैं। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि यहाँ के रोड और एरिया के ऊपर तवज्जो दी जाए। लाइट का भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मास्टरमाइंड स्कूल है। यहाँ पे चंद कदम के ऊपर ही जो रास्ता है ये ख़राब है और ये ओटापल्ली शमा कॉलोनी में अंदर जाता तो रास्ता ही। आप कचरे का भी नज़ारा यहाँ पे देख सकते हैं। बिल्कुल टर्निंग भी छोटी है यहाँ पे, ऊपर से कचरे का अंबार। फिर एक बार मैं गुजारिश करूँगा कि हमारे एरिया कॉरपोरेटर और लीडर साहब इसके ऊपर तवज्जो दें, ताकि यहाँ पे कोई हादसे होने से बच जाए। देखिए आप इस तरीके से यहाँ पे रोड है। आए दिन कई यहाँ पे हादसे हो रहे हैं।